भोपाल से। भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सशर्त मंजूरी मिल गई है। जल्द ही देश में आम नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वह पहले वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखिए पूरी खबर। सीएम शिवराज ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं पहले वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। पहले जो प्राथमिकता वाले समूहों को टीका लगाया जाएगा, इसके बाद मेरा नंबर आएगा। वहीं सीएम ने कहा कि प्रमुखता ग्रुप वालों को टीका लगवाने की तैयारी के लिए सभी को एक साथ जुटना होगा। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने रविवार को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक को बिक्री और वितरण के लिए कोवैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए नियामक स्वीकृति मिली थी, एक शीर्ष सूत्र ने बताया। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को बिक्री के लिए दवा निर्माण की अनुमति दे दी। इससे पहले रविवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI वीजी सोमानी ने घोषणा की थी कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है। भोपाल से संवाददाता प्रवीण कुमार भार्गव की रिपोर्ट। कोरोना के वैक्सीन का टीकाकरण, उसकी तैयारियां सबने अपने अपने स्थान पर की होगी, तो उसकी योजना ढंग से तैयार हो जाए। जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, इसके बाद अपना नंबर आए, तो जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको लग जाए, उस व्यवस्था को भी बनाने में